रामगंज थाने पर दो एटीएम बदलकर ठगी करने वाले मुकदमे दर्ज, रामगंज थाना पुलिस कर रही है तफ्तीश। हजारीबाग स्थित एटीएम पर हुई घटना। रामगंज थाने पर जितेंद्र और अमर सिंह ने मामला दर्ज करवाया कि इन दोनों के साथ अलग अलग एटीएम कार्ड बदलकर ठगी हुई है। पुलिस ने बताया कि जितेंद्र जिसके खाते से 60,000 निकले, वहीं अमर सिंह के खाते से 50,000 निकले हैं। ये दोनों घटना हजारीबाग स्थित एटीएम पर हुई है, जहां पर कुछ अज्ञात युवक खड़े थे जिन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस दोनों मामलों का अनुसंधान कर रही है। क्या मामला दर्ज हुआ है और किसने कराया, क्या कितने पैसे लिए? कल एटीएम से धोखाधड़ी कर पैसा विड्रॉ करने के दो प्रकरण दर्ज हुए हैं। एक घटना 24/1/2020 की है, जितेंद्र कौर है जो रामगंज के रहने वाली है, उनके खाते से 60,000 रुपये किसी ने एटीएम चेंज करके और विड्रॉ कर लिए। दूसरा मुकदमा करवाया है अमर सिंह है जो न्यू गोविंद नगर का रहने वाला है, उनका भी एटीएम चेंज करके और 50,000 रुपये उनके खाते से विड्रॉ कर लिए। दोनों प्रकरणों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अज्ञात बदमाशों ने उनकी तलाश की जा रही है। किस तरह से एटीएम बदला, कुछ जानकारी? उन्होंने एटीएम विड्रॉ करने के लिए एटीएम में अपना कार्ड डाला, मगर वो एक्टिवेट नहीं हुआ। उसी दरमियान एक दो संदिग्ध लड़के वहाँ खड़े थे जिन्होंने उनके कोड नंबर वगैरह देख लिए और बाद में उनके जाने के बाद में पैसे ने विड्रॉ कर लिए। कहाँ की घटना है सर, एक ही जगह एटीएम? हाँ, ये अपने जो हजारीबाग एटीएम है यहाँ की घटना है। जी।